अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब लोग? ठीक ठाक मजे में। वेलकम टू माय चैनल एम फैसल व्लॉगर। आज मैं आपको रेट्स बताऊंगा मुर्गी के, अंडों के, बीआईबी कॉलोनी मेन मीना बाजार चौक के। ठीक है, यहाँ पे जो रेट चल रहे हैं मुर्गी के, और मुर्गी जो है अभी चढ़ गई है, रेट उसके थोड़े ऊपर आ गए। रेट है 520 रुपये रान बाजू, और गोश्त के रेट तो लिखे ही नहीं इन लोगों ने। दुकान में दो दुकान सामने नज़र आ रही है, तो उसमें जो है 520 रुपये लिखे हुए हैं रान बाजू के। ठीक है, और असल जो गोश्त है, गोश्त कितने का, जाहिर सी बात ऊपर होगा वो, तो उसके रेट अभी नहीं लिखे। तो जब रेट ऊपर याद है तो वो गोश्त के रेट मेरे ख्याल में लिखते नहीं है लोग, तो रान बाजू के रेट लिखे हुए हैं, वो 520 रुपये हैं वो। अच्छा, ये हो गया मुर्गी के रेट। आप आ जाओ अंडों पर। अंडे जो है वह हैं चल रहे हैं 280 रुपये, बेकरी में शायद चल रहा हूँ 300 रुपये के आसपास चल रहा हूँ, लेकिन ये जो हमारे बराबर में है लगाता है अंडे, तो वो 280 रुपये दर्जन दे रहे हो। जिसको भाई को भी चाहिए तो 10-20 रुपये कम में यहाँ पे मिल जाते हैं, तो 280 रुपये ये मिलेंगे अंडे। 520 रुपये जो है गोश्त यहाँ पे मिल रहा है। स्टाफ पे जाएंगे ना, हमारे मैंने स्टाफ ये भी कॉलोनी का मेन जो स्टाफ है, वहाँ पर आपको मुर्गी मिलेगी सस्ती, कम से कम 30-40 रुपये का फ़र्क आएगा भाई, मैंने खुद नोट किया है। और अब्बू जो है कभी कभार यहाँ से ले लेते हैं, और कभी जो स्टाफ से लेते हैं तो फ़र्क नज़र आता है, तो स्टाफ से लेंगे तो आपको सस्ती पड़ेगी भाईजान। तो मैं तो अपनी अपडेट दे रहा था मुर्गी की, अंडों की, लेकिन फैजान भाई हमारे पास आके बोलने, यार सवाल क्यों नहीं कर रहे हो, 2-3 दिन से भाई छोड़ा हुआ आपने। मैंने बोला आया छोड़े हुए सवाल थोड़े भी, बोला नहीं करो मेरे से यार, मुझे वीडियो में भी आना है, पता नहीं, चलो भाई ठीक है कर लेते भाई। सवाल ज़रा गौर से सुनना, बता ये सवाल है, एक खम्बा है गड़ा हुआ है ज़मीन के साथ, हाँ वो हिलेगा नहीं अपनी जगह से। अच्छा, एक रस्सी है 10 फीट की, सही है, पहला जो सिरा ना रस्सी का, वो गधे की गर्दन के साथ बांधा हुआ है, गधे की गर्दन के साथ बांधा हुआ है, सही है। दूसरा सिरा खम्बे के साथ बांधा हुआ है, सही है। अब जो फासला जो है ना उसके दोनों का, मतलब खम्बे और गधे का जो फासला रह गया वो 7 फीट का रह गया, सही है। उसको मोड़ के बांधा, इसको भी मोड़ के बांधा, 7 फीट का रह गया। अब घास जो पड़ी हुई है खम्बे से 15 फीट की दूरी पे, वो गधे को घास खाना है, कैसे खाएगा, ये सवाल है भाई। आपको सवाल समझ में आ गया है, खम्बा भी है, रस्सी भी है, गधा भी है और घास भी है। तरीक़ेकार मैंने को बता दिए, पहला सिरा खम्बे के साथ बांधा हुआ है, दूसरा सिरा गधे की गर्दन के साथ बांधा हुआ है, और खम्बे से 15 फीट की दूरी में जो है घास पड़ी हुई है, ठीक है। तो ये खानी है घास, कैसे खाएगा ये बताना भाई। तो कब बताओगे? अभी बताते हैं, नमाज़ पढ़ के आए। अच्छा भाई, नमाज़ का टाइम हो गया, नमाज़ पढ़ के आते फिर बताएंगे भाई, ठीक है। नहीं अगर आते तो बता दे भाई, हमने हार मानी है, हम बता देंगे। मैदान में तो चले गए, हम भी जा रहे हैं नमाज़ के लिए, अगर वो बताते हो ठीक है, अगर जब तक बंदा कोई हार नहीं मानेगा ना तब तक जवाब नहीं मिलेगा। हार मानोगे तो फिर इसका जवाब अच्छा है, हार मानने पर जवाब मिलेगा इसको, ठीक है भाई। कोई हार माने फिर हम बताएँगे, जवाब प्यारा है इसका। अभी मैंने फैजान भाई से एक सवाल किया था, तो नमाज़ का टाइम हो गया, तो वो सोचते रहे, बोला वो नमाज़ पढ़ गया, फिर आपको बताता हूँ। नमाज़ पढ़ के आया तो आगे मुझे बोला, भाई मैं सवाल भूल गया, मुझे दोबारा पूछो यार। तो भाई ऐसे दिमाग है भाई, अभी दोबारा पूछना पड़ेगा, आपको तो याद है ना मैंने सवाल किया, नहीं तो दोबारा बताता हूँ, पूछता हूँ दोबारा, अभी आएगा। लो जी आ गए फैजान भाई, हमें जवाब मिल गया, आप दोबारा बताओ। दोबारा बताऊँ? छापा वाली दुकान वो सामने, वो पेपर लटके में जाओ। अच्छा भाई, सवाल दोबारा सुन लिया भाई। देखो चार आइटम है, खम्बा, घास, गधा, रस्सी। खम्बा, घास, गधा, रस्सी, चार आइटम है। खम्बा गड़ा हुआ अपनी जगह पे, सही है, 10 फीट की रस्सी है, पहला सिरा खम्बे के साथ बांधा हुआ है, दूसरा सिरा गधे की गर्दन के साथ बांधा हुआ है, सही है ना। और घास जो है वो खम्बे से 15 फीट की दूरी पर है, और घास खानी गधे को कैसे खाएगा, ये सवाल। 15 फीट, हाँ 10 फीट की रस्सी है, हाँ अब वो 7 फीट रह गया ना अभी, 7 फीट रह गया, बंद बांध बुन के 7 फीट रह गया। अब कैसे खाएगा, घास खानी है गधेड़े को, कैसे खाएगा, समझ में नहीं आया भाई। हार मानोगे तो जवाब बताएंगे, हार मानोगे जवाब बताएंगे आपको, क्या चाहिए देखो ना यार, कितने ये वाला नोट कहाँ चलेगा बेटा, 75 रुपये बंद नहीं हुआ लेकिन लोग लेते ही नहीं हमारे से, फिर ये मसला है। 75 रुपये का नोट जो है ना वो बंद नहीं हुआ लेकिन लोग लेते ही नहीं, इसलिए हम भी नहीं लेते भाई,
बहुत मुश्किल से चलता है यार वो। एक नोट पड़ा है मेरे पास, किसी के पास गड़ियाँ पड़ी हुई है, चलते ही नहीं है, लेते ही नहीं है लोग। अच्छा जी बताइए जी, नहीं चाहिए उसके बाद ये हुआ, वही वाला नोट है भाई। तो अल्लाह कर आपका ना नोट निकल जाए, खुला करा के लिया जेब से निकल जाए, मैं कहता हूँ जी। चलो नहीं नहीं बिक जाएगा, चल जाएगा आपका। अच्छा जी हाँ भाई बताइए, नहीं आता हार मानोगे तो जवाब दूँ ना भाई। वो लग गया था ग्राहक, 75 रुपये का नोट लेकर आ गया था। अच्छा जी हाँ भाई क्या करना है, जवाब देना है या हार माननी है? क्या किया? हार मानी। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है फैजान भाई, गधे ने भी हार मान ली थी। ये देखो हमारी मुन्नी साहिबा को देखो, ये जब मस्ती चढ़ती तो भाई ऐसे ये चांद गाड़ी टूटी आएगी, चांद गाड़ी यहाँ लगी पड़ी हो। ये देखो अबे बस क्या हो गया मजे में हो? अल्लाह का करम है, समोसा गरम है। नहीं बिरयानी गरम, बिरयानी समोसा गरम, नली वाली बिरयानी, राड़ वाली बोटी, ओ हलीम वाली बिरयानी। अच्छा बात सुनो, हमने दिन में पूछा था फैजान भाई सवाल, उन्हें जवाब नहीं दिया, उसने हार मान ली, हमने जवाब दे दिया था। आपसे भी सवाल करते हैं, आपने जवाब दिया ठीक है, नहीं तो हार मान लेना हम जवाब दे देंगे। हार मानना ज़रूरी है, अगर हार कर नहीं आता तो ठीक है। सवाल ये है कि हाँ सवाल हमारा ये है कि चार चीज़ें हैं खम्बा, रस्सी, गधा और घास। खम्बा तो ज़मीन में गड़ा हुआ है 10 फीट की एक रस्सी है, एक गधा है और घास है। रस्सी का पहला सिरा खंबे के साथ बंधा हुआ है, ठीक है, दूसरा सिरा गधे की गर्दन में बंधा हुआ है, ठीक है, सही है ना? बिल्कुल ठीक है। रस्सी जो है वो 10 फीट की, ठीक है, और घास जो पड़ी हुई है खंबे से 15 फीट की दूरी पे, ठीक है। गधे को घास खानी है, सही है, कैसे खाएगा ये बताना है। आगे में जो कोई मौजूद भी नहीं है, ना गधा खुल सकता है, उसको खाना है, कैसे खाएगा? घास खाता है, खाता तो है, हाँ बताए, खानी है, भूख लगी उसको खानी है, खानी है, लेकिन वो खोल लेगा रस्सी को? नहीं ना, नहीं खोलेगा, नहीं खुलेगा, नहीं खुलेगा, नहीं खुलेगा। इसका मतलब है कि वो फिर घास पूरी चल के आ जाएगी उसके पास, या घास पहले से ही पड़ी हुई है? नहीं 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 बिल्कुल भी नहीं। दिमाग चला रहे इब्राहिम भाई, माशाल्लाह हवा चल रही है, दिमाग चल रहा है, माता है ना, मौसम भी बम्बार्ड है। हाँ जवाब क्या होगा इसका? जवाब यही होगा कि घास वहाँ उसके पास पड़ी हुई है, उसको भूख ही नहीं होगी इसलिए नहीं खा रहा हूँ। नहीं भूख लगी है, जाना है तो खाना है, घास वहीं पड़ी हुई है। मैं नहीं मानूंगा, हार मानोगे तो हम बताएंगे। हार मान ली हमने, हार मानी, मानी, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, गधे ने भी हार मान ली थी। हाँ ना भाई, एक अफसोसनाक खबर आई है इब्राहिम भाई के पास। म्यूजिक के साथ लगाओ ना। चलो अफसोसनाक खबर ये आई है कि इब्राहिम भाई घर की चाबी लापता हो गई है। आपको एतार मस्जिद में ऐलान करने जा रहा हूँ। अभी सीन ये हुआ कि जो इनके पास ही वो तो पहले गुम हो गई थी, एक और पड़ी हुई थी वो भी गुम हो गई। जी जी पता नहीं चाबी गुम कर रहे हैं भाई, चाबी जा रही है आ नहीं रही, अब पैसों से बनानी पड़ेगी, अब इनका नहीं पता कब गुम होंगे। अब ये चाबी कहाँ से पकड़ोगे? पकड़ेंगे नहीं, उड़ा के लेके आएंगे, बनानी पड़ेगी। चाबी वालों को ले जाओगे या ताला लेके जाएंगे वहाँ से बना के आएंगे? ताला लेके जाएंगे? हाँ जी हाँ जी। तो ताला तो लगा वहाँ, कैसे तो खोलोगे? ताला खोल के आया हूँ मैं, ताला खुला हुआ ही रखते हैं। अच्छा ताला खुला हुआ रखते हैं, मतलब आने जाने का रास्ता साफ है, मतलब? हाँ जी आने जाने का रास्ता, कोई टेंशन वाली बात नहीं, वो अफसोस ना खबर नहीं है, तो खुशखबरी हो गई भाई। भाई पाकिस्तान कराची शहर में 9:23 हो रहे हैं रात के, और हवा इतनी टनाटन, माशाल्लाह VIP मौसम हो रहा है, लेकिन मेरी तबीयत ख़राब है, गला ख़राब हो रहा है, लगता है मुझे पेनाडोल सीएप लेनी पड़ेगी मेडिकल स्टोर जाके, या फिर हमारे नईम भाई हैं वो डॉक्टर हैं, नईम भाई 100 रुपये लेते हैं, और इंजेक्शन भी लगाते हैं और फिर दवाई भी देते हैं 100 रुपये में, बेहतरीन। VIP हो जाता बंदा, गला ख़राब हो, बुखार हो, छोटे मोटी तबीयत ख़राब हो, तो नईम भाई के पास जाओ, 100 रुपये में सही कर देता है, 2 दिन में बंदा खड़ा हो जाता है। चलो भाई लोग बंद करने का टाइम हो गया है, अब हम करते हैं ठेलों को बंद, जाते घर पे नहीं, पहले घर पे नहीं, पहले दवाई लूँगा, गला ख़राब हो रहा है, कुछ ज़्यादा ख़राब हो रहा है, तो पहले दवाई लूँगा उसके बाद जाऊँगा। अच्छा जुमेरात थी और जुम्मे की शब लग गई, तो आपको एडवांस में जुम्मा मुबारक हो। तो कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ, कल तक के लिए ओके टाटा बाय बाय, शबा के अल्लाह हाफिज़, आओ जो हुई जाओ।